नाजरीन खबर शामिल करते हैं। टेंडवाला यार्ड डिप्टी कमिश्नर टेंडवाला यार्ड रशीद अहमद जरदारी ने कहा कि गुज़श्ता साल हमसे कोरोना वबा से जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हम 45,000 लोगों के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 1500 टेस्ट पॉजिटिव आए और 11 लोग कोरोना की वजह से हमसे बिछड़ गए। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर रशीद अहमद जरदारी ने टेंडवाला यार्ड में कोरोना वैक्सीन लगाने की इफ्तिताही तकरीब के दौरान बात करते हुए कहा के टनवाला यार की आवाम खुश नसीब है, उनके लिए आज खुशी का दिन है जहां कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। टनवाला यार में वैक्सीन लगाने का अमल हेल्थ के वैक्सीनेटर जावेद बलोच को वैक्सीन लगाकर शुरू किया गया। उन्होंने कहा अब जबकि पूरी दुनिया में वैक्सीन का अमल शुरू हो चुका है, इस अमल में सिंध हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पहले मरले में 300 वैक्सीन दी। हेल्थ वर्कर्स के लिए जो अंडर सेक्शन है, जो जहां रजिस्टर्ड है, उनको आवाम ने वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते में 60 साल और इससे ऊपर वालों को भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी और बाकी हमारी आवाम खास दिगर इदारों के लोग हैं अनकरीब उनको भी वैक्सीन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया में लग रही है। रिपोर्ट कर रहे थे ब्यूरो चीफ राशिद खान साहब, जोर न्यूज टेंडो अलिहार। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें www.zornews.tv। देखते रहे जोर न्यूज़।